दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की बेटियों ने लहराया हिंदुस्तान का परचम तो पाकिस्तान तक बजा है भारत की जीत का डंका। महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए शोएब अख्तर ने दिया है होश उड़ा देने वाला बयान, तो शाहिद अफरीदी भी हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन से हैरान। तो आखिर कैसे पाकिस्तानी दिग्गज भी हो गए हैं भारतीय महिला टीम के दीवाने, और किसने क्या कहा है भारत की शानदार जीत की तारीफ करते हुए, उन सभी के चौंका देने वाले बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी हीरो कौन थी, जेमिमा रोड्रिक्स, शेफाली वर्मा या फिर ऋचा घोष? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जब भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिक जाती हैं। कुछ ऐसा ही एक नजारा साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला जब T20 विश्व कप के मंच पर भारत की बेटियों के सामने पाकिस्तान की टीम आई, तब ऐसा घमासान हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों केपटाउन के मैदान पर टॉस तो पाकिस्तानी कप्तान ने जीत लिया था, लेकिन परचम लहराने के इरादे से भारतीय सितारे उतरे थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए राधा यादव का कहर पाकिस्तान पर टूटा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी महिला टीम ने 149 रन बना लिए। इतना विशाल स्कोर बनाने के बाद वे सोच रहे थे कि वो बड़ी आसानी से भारत से जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए बुरा सपना बनकर आई भारतीय टीम के आन बान और शान जेमिमा रोड्रिक्स के साथ अंडर-19 विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर। जी हाँ दोस्तों, जहां शेफाली वर्मा ने भारत को 33 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर बेहतरीन शुरुआत दिलाई, तो फिर मिडिल ऑर्डर में जेमिमा की तूफानी बल्लेबाजी का साथ दिया। हरमनप्रीत की कप्तानी पारी ने और भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान के धज्जियां उड़ाते हुए 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया भारतीय खिलाड़ियों के तारीफों के कसीदे पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तानी दिग्गज भी भारतीय महिला टीम के अद्भुत प्रदर्शन से बेहद हैरान है। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर ने मैच खत्म होने के बाद बताया, क्या शानदार मैच हुआ है, दोनों टीम ने जो फाइटिंग स्पिरिट और जीतने का जज्बा दिखाया है वो सच में सराहनीय है। भारतीय टीम को उनकी अद्भुत जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, उन्होंने निश्चित तौर पर हमें बहुत पीछे छोड़ा है, भारत की बेटियों को सलाम है, आप सब इस जीत के हकदार थे। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी टीम इंडिया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वेल प्लेड टीम इंडिया, क्रीज का इस्तेमाल करके कैसे मुकाबले को अपने कब्जे में किया जाता है, इसका बेहतरीन उदाहरण था ये, बहुत बढ़िया, भारतीय टीम खेल के हर पहलू में आगे रही है, इसके लिए उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। भारतीय महिला टीम को उनके शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज हमारा दिन नहीं था, हार्ड लक, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे हाथों से मैच को छीन लिया सच में देखने लायक था। ये मैच खेल भावना और जीत के लिए जी जान लगा देने का असली उदाहरण है। दोनों टीमों ने इस मुकाबले में अपना 100% दिया, इसके लिए उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक भी टीम इंडिया की जीत के बाद हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उनका बयान सामने आया है, उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही शानदार होता है जो अंतिम ओवर तक निश्चित हो जाता है। ये कहना बहुत मुश्किल था कि कौन यह मैच जीतेगा, पाकिस्तानी टीम ने अपने हाथों में यह मैच जाने दिया। 17 ओवर तक हम मुकाबले में थे, अंतिम 3 ओवरों में भारत ने पूरा मैच पलट दिया। जेमिमा और ऋचा इस जीत की सबसे बड़ी हीरो थी। इंडियन टीम को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है कि हमें आगे भी भारत और पाकिस्तान के मैच विश्व कप के फाइनल में और सेमीफाइनल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या T20 विश्व कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का मैच हो सकता है कि नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।